यहाँ पे मिल चुकी है, लाउडनेस बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दोनों में ही आपको लाउडनेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलती है, देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी है, वॉल्यूम भी अप डाउन करने का ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से जाते हैं, लाउडनेस दोनों में सिमिलर है। यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट मैं दिखा दूँ कैसे काम करता है यहाँ पे। सो वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दो बजट ब्रैकेट में वॉचेस की। दोनों ही आई गेस 1500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हुई थी। ये जो है आपकी कल्ट की मतलब कल्ट स्पोर्ट्स की जो वॉच है बेसिकली, और ये है हमारी बोल्ट की जो अभी लॉन्च हुई है, बोल्ट की क्राउन एक्स करके, ठीक है। और डिस्प्ले साइज़ काफ़ी बड़ा है दोनों का ही, आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता है, 2 इंचेस का डिस्प्ले कभी कभी मिलता है आपको देखने के लिए दोनों में ही, ठीक है। ये है एक्टिविटी और ये है आपकी बोल्ट की क्राउन, मतलब बोल्ट की क्राउन एक्स, ठीक है। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे, देखो बेजल्स तो दोनों में थिक है, यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ आपको बेजल्स मिलते हैं। बट अगेन गाइस लुक और फील दोनों का ही अच्छा लगता है और दोनों ही लास्ट रिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी है, मीडियम रिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी है, बट थिन रिस्ट पे दोनों में से कोई सी भी अच्छी नहीं लगेगी। गाइस थोड़ा सा कॉपरेट करेगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा आपको आवाज़ आ सकती है, ठीक है। एल्युमिनियम की केसिंग आपको दोनों मिल जाती है और लुक और फील इस तरीके से मिलता है, एप्पल लुक मिल जाता है दोनों में ही। ये थोड़ा सा यूनिक लुक लेके आती है, इसलिए मैंने रिकमेंड भी किया था, ये काफ़ी अच्छी लगती है बोल्ट की क्राउन एक्स, थोड़ा सा अलग यूनिक लुक लेके आती है, ठीक है। और इधर की साइड से आपको स्पीकर कमेंट मिल जाता है दोनों में ही। स्ट्रैप की क्वालिटी भी दोनों की काफ़ी अच्छी है, डेडिकेटेड सेंसर आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं, रेड और ग्रीन एक्स के सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं, और उसी के साथ साथ मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट दोनों में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप सभी से स्ट्रैप की, तो स्ट्रैप इसमें 22 mm है और इसमें आपका इसमें थोड़ा सा अलग है, आपका फायरबोल्ट की रिंग जो थी ना सीरीज रिंग 3, उस तरीके से स्ट्रैप टाइप का मिलता है इसमें, ठीक है। और गाइज एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इस तरीके के कंपैरिजन को अगर आप एंजॉय करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो गाइज, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। तो गाइज एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर आपको दोनों में से कोई सी वॉच बाय करनी, मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। ये अगर 1500 की है तो आपको अराउंड 1350 तक की मिल जाएगी, ठीक है। ये 1600 रुपये की हो चुकी है तो अराउंड ये 1400 रुपये की आपको मिल जाएगी, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। अनयूज्ड है गाइज, अनबॉक्स करके दैट्स इट, ब्रांड न्यू है वॉचेज़, ये एक भी स्कफ या स्क्रैच कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो गाइस चलिए चेक करते हैं, ऊपर की साइड से टॉगल मेन्यू सिमिलर ही मिलता है एक्जैक्टली, दोनों ही कंपनी ने कॉपी कर रखा है फायरबोल्ट की जो रिंग सीरीज है, आप कह सकते हो रिंग 3 हो गया, रिंग हो गया, रिंग प्लस हो गया, उन सबको कॉपी कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे वाटर लॉगआउट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे टॉर्च लाइट भी मिल जाती है इधर की साइड, इसमें आपको इधर टॉगल मेन्यू में नहीं मिलती टॉर्च लाइट, देखते हैं अंदर मिलती है कि नहीं मिलती। सेटिंग में बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ मिलती है, जैसे ब्राइटनेस लेवल्स मिल जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद ऑटो स्लीप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 30 सेकंड का दोनों में देखने को मिल जाता है, रेस्ट टू वेक दोनों में काम करता है, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। बट वॉच फेसेस में यहाँ पे कल्ट स्पोर्ट्स जो एक्टिविटी है काफ़ी आगे निकल जाती है, यहाँ पे कम से कम आपको 10 तक वॉच फेस इन द वॉच इटसेल्फ मिल जाते हैं, यहाँ पे 4-5 ही मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा फ्लो है आपका बोल्ट की क्राउन एक्स में। और वापस से हम सेटिंग पे चलते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले में चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पे मेन्यू व्यू मिल जाता है, तो मेन्यू व्यू में आपको लिस्ट मिल जाता है दोनों में ही, ग्रिड व्यू मिल जाता है, और यहाँ पे पैडल मिल जाता है, यहाँ पे सरफेस मिल जाता है, क्रेसेंट मिल जाता है, यहाँ पे फुल मून मिल जाता है, यहाँ पे हेलम मिल जाता है आपको, यहाँ पे हैनीकॉम मिल जाता है आपको, लिस्ट व्यू मिल जाता है, और हैनीकॉम में आपको दिखा दूँ यहाँ पे स्मूथनेस आपको दोनों मिल जाती है, इवन तो यहाँ पे 68 का सैंपल रेट नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पे स्मूथनेस काफ़ी अच्छी मिलती है दोनों में, ठीक है। और सेटिंग पे चलते हैं, वापस से हम डिस्प्ले पे चलते हैं, वापस से डिस्प्ले को हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट वाला कर लेते हैं दोनों में ही, ठीक है। टैप करके ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे हम सेटिंग पे चलते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले में आपको और नीचे रिस्ट वेक का ऑप्शन मिल जाता है दोनों में ही, ठीक है। बैक करते हैं, उसके बाद रिंग एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलता है, रिंग वाइब्रेशन म्यूट पे आप ऑप्शन मिल जाता है दोनों में ही, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी आप कंट्रोल कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग या सॉफ्ट आपको रखनी है, दोनों में से कोई सी भी आप कर सकते हो। डीएनडी मोड मिल जाता है, लो पावर मोड का ऑप्शन मिल जाता है, फोन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, ऑडियो मीडिया भी ऑन ऑफ कर सकते हो, सिंगल चिप कनेक्टिविटी के साथ दोनों ही वॉचेस आती हैं, दोनों में ही सॉन्ग भी सुन सकते हो आप, ये भी काफ़ी अच्छा है। फोन रीसेट का ऑप्शन मिलता है, सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, अबाउट का ऑप्शन मिलता है, दैट्स इट। यहाँ पे तीन ये सारी चीज़ें सेम मिल जाती हैं। राइट साइड में स्वाइप करते हैं, शॉर्टकट दोनों में देखने को मिल जाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ये मेन्यू मिल जाता है पूरा का पूरा, और यहाँ पे आपको रीसेंट मेन्यू टैब मिल जाता है मतलब टाइप का, ठीक है। और नीचे के साइड से आपको मैसेज नोटिफिकेशन दोनों में देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सारी सारी चीज़ों की, तो सबसे ऊपर चलते हैं यहाँ पे एक्टिविटी डाटा, जो आपने परफॉर्म की एक्टिविटी भी शो करता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फोन कॉल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे बोल्ट हेल्थ, यहाँ पे प्रॉपरली एक सब मेन्यू मिल जाता है, इसमें आपको हार्ट रेट मॉनिटर, एस्पिरेटरी लेवल मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, ये सब का डाटा यहाँ पे शो करता है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको ये मिल जाता है हार्ट रेट मॉनिटर, यहाँ पे भी हार्ट रेट चेक कर लेते हैं। और तो एयर यहाँ पे दोनों में से कोई सी वॉच काम नहीं करती है, काफ़ी अच्छा है। तो और बैक करते हैं, यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल चेक कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे और तो एयर यहाँ पे नहीं बताएगी मेरे ख्याल से दोनों में से कोई सी वॉच, और इस तरीके से मिल जाता है। सेंसर मिलता है तो आप सभी को, यहाँ पे सिंगल सेंसर है, ग्रीन एक्स का सेंसर ज़्यादा है। और कल्ट स्पोर्ट की बीट्स में चेक करते हैं, कल्ट स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में ब्लड प्रेशर चेक कर रहा हूँ मैं, SpO2 ईयर, तो यहाँ पे ग्रीन एक्सरे सेंसर है, तो दोनों में ही आपको ग्रीन एक्सरे सेंसर मिलता है, सिंगल सेंसर कनेक्टिविटी मिलती है, मतलब बेसिकली सिंगल सेंसर मिलता है दोनों में ही। उसके बाद ब्रीद रिलैक्स मोड मिल जाता है, एक्सरसाइज मोड मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे कहाँ है स्पोर्ट्स मोड, ठीक है। तो वॉकिंग करते हैं, 50 स्टेप चल के देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी दोनों में से बेटर किस में मिलती है।
सो गाइस 50 स्टेप्स मैंने चल लिए यहाँ पे, और यहाँ पे 61 दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली, और इसमें दिखा रहा है 50 दिखा रहा है। तो यहाँ पे कल्ट स्पोर्ट्स की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है एक्यूरेसी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स डाटा शो करता है, यहाँ पे फोन का ऑप्शन मिल जाता है, कॉलिंग वाला भी चेक करेंगे अभी, आपको मैसेज मिल जाता है, स्टार्टर बटन मिल जाता है, इसमें कैमरा मिल जाता है, ई कार्ड स्टोर करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पे बोल्ट की वॉच है बट यहाँ पे कल्ट स्पोर्ट्स में नहीं मिलता। AI वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। उसके बाद अलार्म आप दोनों ही वॉचेस में इन द वॉच इटसेल्फ लगा सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट इसमें मिल जाता है। फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिल जाता है, सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे कैलकुलेटर गेम्स मिल जाते हैं। इसमें बात करूँ यहाँ पे कैलकुलेटर गेम्स इसमें देखने मिल जाते हैं, दोनों में चार चार गेम्स मिलते हैं। अब गाइस यहाँ पे कॉलिंग फैसिलिटी चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे कैसे क्या काम करती है, यहाँ पे चेक करते हैं। आई गेस ये वाली वॉच कनेक्टेड नहीं है, ओके इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे फाइनली कॉल मिला के देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे फाइनली कॉल मिला के देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से कैसे मिलती है लाउडनेस। यहाँ पे दोनों में मैंने मिला लिया है, यहाँ पे मिल चुकी है, लाउडनेस बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दोनों में ही आपको लाउडनेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलती है, देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी है, वॉल्यूम भी ब्राउन करने का ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से मिल जाते हैं, लाउडनेस दोनों में सिमिलर है। यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट में दिखाता हूँ कैसे काम करता है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये रहा और इसमें ये रहा। व्हाट इज़ द वेदर ऑफ फरीदाबाद, व्हाट इज़ द वेदर ऑफ फरीदाबाद। तो वैसे कनेक्टेड नहीं होंगी, देखो तो यहाँ पे प्रॉपरली बता रहा है, इसमें भी बताता है VSH, ये कनेक्टेड नहीं है मेरे ख्याल से, देखो इसमें वाईफाई टर्न ऑन के लिए बोल रहा है। अब हाथ पे पहनते और ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लें। फाइनल कंक्लूजन आपको देता हूँ दोनों में से बेटर कौन सी है। यहाँ पे दोनों ही वॉचेस को पहन लिया, वैसे लास्ट मीडियम इसके लिए दोनों ही वॉचेस ठीक है, थिन रिस्ट वाले दूर रहे तो दोनों वॉचेस से बेसिकली, ठीक है। आती तो बजट ब्रैकेट में, बट गाइस जब आपके यहाँ पे अच्छी लगेगी तो फायदा क्या फिर, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे ऑक्सीमीटर मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं हार्ट रेट सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, 99 स्पीड दिखा रहा है, 87 हमारा हार्ट रेट दिखा रहा है, ठीक है। 87, 85, 84 हो चुका है, और 82 हो चुका है, यहाँ पे भी 82 है, क्लोज टू एक्यूरेट है। कल्ट स्पोर्ट एक्टिविटी और यहाँ पे बोल्ट हमारी फिर पीछे रह गई है, तो कल्ट स्पोर्ट एक्टिविटी हमारी थोड़ी सी अच्छी परफॉर्म कर रही है बोल्ट की वॉच से, देख सकते हो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ऑक्सीमीटर में 90 दिखा रहा है SpO2, ठीक है। अब हम चेक करते हैं SpO2 इस पर, यहाँ पे थोड़ा सा हाई करेंगे, ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है यहाँ पे, ये रहा। बट मैं SpO2 के लिए रिकमेंड नहीं करता आप सभी को कि वॉच से आप चेक करें। देखो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी तो क्राउन एक्स रहेगी नहीं, वो कल्ट स्पोर्ट एक्टिविटी ये वाली, क्योंकि एप्पल का लुक भी लेके आती है, बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है आपको और सेम प्राइस है ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो मेरा रिकमेंडेड यहाँ पे जाएगा इसी वॉच के लिए, एक्यूरेसी बेटर मिलती है इस वॉच से, ठीक है, बोल्ट की क्राउन एक्स। बट बोल्ट की क्राउन एक्स में आपको एक बटन एक्स्ट्रा मिल जाती है बस, दैट्स इट। वरना सारे के सारे फीचर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है दोनों में, ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस ये थे डिप डाउन कंपैरिजन दोनों ही वॉचेस का। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।